Very very good morning to all students. In Bessel function, we already discussed recurrence relations. Recurrence, total recurrence relations are 6. Bessel recurrence relation, first and second give the value of x, j and des. Bessel recurrence relation third gives the value of twice j and des. Fourth, twice n into jn. X jn des equal to n jn minus x jn plus 1 minus n jn plus x jn minus 1. ठीक है, इसमें क्या था, जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन. तो रिकरेंस रिलेशंस टोटल 6 हैं और ये लर्न होने चाहिए सभी को. ये टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना, सभी के प्रूफ आपको कंप्लीट करवा दिए. तो सबको इनके प्रूफ और जो स्टेटमेंट है, रिलेशंस हैं, ये सभी को लर्न होने चाहिए अच्छे से. ट्वाइस एन जे एन एक्स इक्वल टू x इंटू जे एन माइनस वन प्लस जे एन प्लस वन. ठीक है, इसमें माइनस साइन आता है और इसमें प्लस, जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन और ये प्लस. ये हो गया बेसल रिकरेंस रिलेशन. फिफ्थ एंड बेसल रिकरेंस रिलेशन सिक्स्थ गिव्स द डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर माइनस एन जे एन. एंड बेसल रिकरेंस रिलेशन सिक्स्थ gives the value of differentiation of x raised to the power n j n minus x raised to the power minus n j n plus 1. x raised to the power n, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी. x raised to the power n पॉजिटिव है तो यहाँ बताया था आपको j n minus 1. ठीक है, इसके नेक्स्ट, ये सभी कंप्लीट हो गया था अपना. इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, उसका ए पार्ट आप लोगों को सॉल्व करवा दिया था. ठीक है, ए पार्ट में प्रूव किया था डी बाई डी एक्स जे एन स्क्वायर प्लस जे एन प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू टू अपॉन एक्स एन जे एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन जे एन प्लस वन स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे. ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया था, ट्वाइस जे एन डैस प्लस ट्वाइस जे एन प्लस वन डैस. In this equation first, we remove jn dash and jn plus 1 dash using the Bessel recurrence relation first and second. ठीक है, first और second recurrence relation को use करके इनको remove किया था. ठीक है, इनकी value find out की थी, ये और ये. ठीक है, ये दोनों values यहाँ put करके इसको solve किया था, then ये अपना complete prove हो गया था. इसी में सेकेंड पार्ट देखो, इसमें थ्री फोर पार्ट्स हैं, ए बी सी डी. ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट सॉल्व करेंगे. बी पार्ट में सॉल्व करना है जे नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू जे वन स्क्वायर प्लस जे टू स्क्वायर प्लस एंड सॉन इक्वल टू वन, कि इस टर्म का वैल्यू वन प्रूव करता है. ठीक है, पार्ट फर्स्ट को लेते हुए इसको हम प्रूव करेंगे. तो अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या लॉन्ग क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें टू और थ्री पार्ट्स एक साथ देकर और फिर आपसे पूछ सकते हैं. तो यदि ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट एक साथ आते हैं तो एक के बाद एक सॉल्व करते जाओगे. शॉर्ट क्वेश्चन में सपोज यही पूछ लें कि इसकी वैल्यू वन प्रूव करनी है, तो इसके लिए आपको फर्स्ट जो रिजल्ट है ए पार्ट में जो प्रूव किया था वो लर्न होना चाहिए. डी बाई डी एक्स जे एन स्क्वायर प्लस जे एन प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू टू अपॉन एक्स एन इंटू जे एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन इंटू जे एन प्लस वन स्क्वायर. ठीक है, तो लर्न भी होना चाहिए और कैसे प्रूव किया है वो भी क्लियर होना चाहिए. ठीक है, मान लो लर्न करा हुआ ध्यान नहीं रहता है तो इस टर्म को सॉल्व करके देख लो कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है. ठीक है, बाकी मेन रिजल्ट्स जितना लर्न रखोगे उतना ही
आप लोगों के लिए इजी रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पुट करो एन इक्वल टू जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एन इक्वल टू जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन, ये पुट करके इक्वेशन फर्स्ट में, और थ्री, टू, थ्री इक्वेशंस बना लो। एन इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो डी बाई डी एक्स जे नॉट स्क्वायर प्लस जे वन स्क्वायर इक्वल टू टू अपॉन एक्स। जीरो पुट कर रहे हो तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा जे वन स्क्वायर, ठीक है, ये हो गए। एन इक्वल टू वन पुट करोगे ये इक्वेशन इजीली सभी पुट कर सकते हो। एन इक्वल टू टू पुट करोगे ये इक्वेशन आ जाएगी, थ्री पुट करोगे ये इक्वेशन, और इस तरह से इक्वेशंस आ जाएंगी। इक्वेशन मार्क कर लो इनको, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। नाउ वी ऐड इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन इक्वेशंस को ऐड करो। एडिंग टू द इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सबको ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर लो और राइट हैंड साइड ऐड कर लो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन सभी में कॉमन है, जे नोट स्क्वायर प्लस ये ट्वाइस हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो ट्वाइस जे वन स्क्वायर प्लस जे टू स्क्वायर प्लस जे थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन इक्वल टू टू अपॉन एक्स, सभी में कॉमन आ रहा है। राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो ये तो कॉमन हो जाएगा टू अपॉन एक्स, ये माइनस जे वन स्क्वायर प्लस जे वन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये नेक्स्ट टर्म से कैंसिल होगा, तो सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो राइट हैंड साइड अपना जीरो आएगा, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, इधर डिफ्रेंसिएशन है, इंटीग्रेट करो इसको ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म आएगी, ये टर्म इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सिक्स मार्क करोगे इसको। इस इक्वेशन में कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन सिक्स, ठीक है। एंड यूजिंग द नोटेशन जे नॉट नॉट इक्वल टू वन एंड जे एन जीरो इक्वल टू जीरो इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है। लर्न करना है ये जे नॉट नॉट इक्वल टू वन और जे एन एक्स, जे एन एक्स की जो डेफिनेशन है उसमें यदि एक्स जीरो पुट करोगे तो ये वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो इसमें, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये जे जीरो जीरो, ठीक है, इसकी वैल्यू वन है तो ये वन हो गया, प्लस टू जे वन जीरो प्लस जे टू जीरो प्लस जे थ्री जीरो, जैसे जे एन एक्स होता है तो एक्स को जीरो पुट करना है, ठीक है। तो ये सभी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, तो इसके अकॉर्डिंग ये वन प्लस टू और ये सभी जीरो हो जाएंगी, तो इसके अकॉर्डिंग सी जो है वो किसके इक्वल हो गया, वन के इक्वल हो गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सिक्स, इक्वेशन सिक्स में वैल्यू वन पुट करोगे तो ये अपना जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा, यही प्रूव करना था, इक्वल टू वन, ठीक है। तो सी की, सी कॉन्स्टेंट है तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और किन नोटेशंस को यूज करोगे, जे नॉट नॉट इक्वल टू वन लर्न करना है ये, और जे एन नॉट इक्वल टू जीरो इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मीन्स जे वन जीरो इक्वल टू जीरो, जे टू जीरो इक्वल टू जीरो, जे थ्री जीरो इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन। तो सिंपल प्रूफ था, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको सभी सॉल्व करके देखोगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, इसमें सी पार्ट में अपने को प्रूव करना है मोड ऑफ जे नॉट एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन। इसमें सी पार्ट को बी पार्ट में जो प्रूव किया है उस रिजल्ट को लेते हुए इसको प्रूव करोगे, ठीक है। फ्रॉम पार्ट बी जे नॉट स्क्वायर प्लस टू जे वन स्क्वायर प्लस जे टू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू वन। तो यहाँ से जे नॉट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो ये हो जाएगा वन माइनस, ये पूरा टर्म माइनस में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जे नॉट स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन, यहाँ पर ये कह रहे हो, कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे। देखो जे नॉट स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस टू इंटू जे वन स्क्वायर प्लस जे टू स्क्वायर प्लस एंड सो, ठीक है। अब यहाँ पर
ये सभी स्क्वायर टर्म्स हैं, ठीक है, स्क्वायर टर्म्स हैं, मीन्स कोई नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज अपना जे एन नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, यदि एक्स की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो के इक्वल होगा, तो ये सभी जीरो होंगे, जे वन जीरो, जे टू जीरो, जे थ्री जीरो, ऑल आर इक्वल टू जीरो, देन दिस टर्म इक्वल टू वन, ठीक है। इनका कुछ वैल्यू होती है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी ये सभी, ठीक है, ये सब स्क्वायर्स हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती है इनकी, तो ये पॉजिटिव टर्म होगी। वन माइनस टू इन टू ये, तो वन माइनस टू, सपोज जो भी है पॉजिटिव वैल्यू, तो इस केस में ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो मीन्स इस इन दोनों से जर्नल क्या हुआ है यहाँ पर, कि जे नॉट स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन, कि या तो वन के इक्वल होगा, वन के इक्वल तो किस केस में होगा, यदि ये एक्स जीरो है, जे वन जीरो, जे टू जीरो, तो ये सभी जीरो हो जाएंगे, ये इक्वल टू वन होगा, और वन माइनस टू, तो इस केस में ये वन में से टू किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव टर्म ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, मीन्स वैल्यू वन से कम होगा। तो रिजल्ट क्या हुआ कि जे नॉट स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन, तो मोड ऑफ जे नॉट इज लेस देन इक्वल टू वन, तो यहाँ से यही अपने को प्रूव करना था कि मोड ऑफ जे नॉट एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है, जे वन स्क्वायर, जे टू स्क्वायर, स्क्वायर्स हैं तो ये सभी पॉजिटिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेकर आपको बता दिया कि ये जो है वो या तो वन के इक्वल आएगा, वन के इक्वल तो कब आएगा, जब ये जे वन जीरो, जे टू जीरो, जे थ्री जीरो, सभी जीरो हो जाएंगे, और वन माइनस टू इंटू जो भी टर्म आ रही है, टू जिससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो वन माइनस टू, वन से ज़्यादा होगा नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, मीन्स वन से कम आएगी वैल्यू, वन में से कुछ भी लेस करोगे, ठीक है, तो वन से ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से मोड ऑफ जे नॉट इज लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है, तो रिजल्ट है छोटा सा, मोड ऑफ जे नॉट एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन। शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, मोड ऑफ जे एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। मोड ऑफ जे नॉट एक्स की वैल्यू तो लेस देन इक्वल टू वन होगी, ठीक है, लेकिन एन की वैल्यू यदि वन और वन से ग्रेटर है, मीन्स मोड ऑफ जे वन एक्स, मोड ऑफ जे टू एक्स, मोड ऑफ जे थ्री एक्स, इस टाइप से जो भी टर्म्स होगा उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू के इक्वल होगा, ठीक है। इसको भी बी पार्ट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट था उसको लेते हुए प्रूव करोगे, ठीक है, इसमें भी बी पार्ट से ही इसको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से मोड ऑफ जे नॉट इज लेस देन इक्वल टू वन होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को। इसमें ये रिजल्ट ले लिया फ्रॉम पार्ट बी दिस, ठीक है, जे वन स्क्वायर, जे टू स्क्वायर, जे थ्री स्क्वायर, तो नेक्स्ट जे एन स्क्वायर, जे एन प्लस वन स्क्वायर, ये भी टर्म्स इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है, इक्वल टू वन हो गया, वन माइनस जे नॉट स्क्वायर हो गया, ठीक है, टू जे वन स्क्वायर, इसको राइट हैंड साइड में ले आओ, तो वन माइनस जे नॉट स्क्वायर हो गया, ठीक है, टू से डिवाइड कर दो, तो जे वन स्क्वायर प्लस जे टू स्क्वायर प्लस एंड सॉन जे एन माइनस वन स्क्वायर प्लस जे एन स्क्वायर प्लस जे एन प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस जे नॉट स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। जे एन स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्योंकि अपने को क्या रिजल्ट प्रूव करना है, मोड ऑफ जे एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट, ठीक है, तो इसमें जे एन टर्म प्रेजेंट होगी, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ जे एन, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जे एन स्क्वायर वाली टर्म ली, इससे पहले वाला एक टर्म ले लो और इसके नेक्स्ट, तो जे एन माइनस वन स्क्वायर, जे एन स्क्वायर प्लस जे एन प्लस वन स्क्वायर, तो यहाँ भी इनको जे एन माइनस वन स्क्वायर ये वाली टर्म ले लो, यहाँ पे जे एन माइनस वन स्क्वायर, ठीक है।
तो जे एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, वन माइनस जे नॉट स्क्वायर माइन अपॉन टू, और ये सभी माइनस में हो जाएंगी टर्म इसको छोड़ के, माइनस जे वन स्क्वायर प्लस जे टू स्क्वायर प्लस जे एन माइनस वन स्क्वायर प्लस जे एन प्लस वन स्क्वायर एंड ऑन। ठीक है, तो ये जे एन स्क्वायर की वैल्यू हो गई यहाँ। तो जे एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन बाई टू, कि इसकी वैल्यू या तो वन बाई टू के इक्वल होगी और या वन बाई टू से कम होगी, ये सभी नेगेटिव टर्म्स हैं। ठीक है, तो वही जीरो होगा, ये जीरो, एक्स की वैल्यू यदि जीरो होगी तो उस केस में ये सभी जीरो हो जाएंगे। ठीक है, जीरो होंगे तो उस केस में ये विल बी जे एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, और यदि इसका कुछ वैल्यू फाइंड आउट होती है तो वन बाई टू में से माइनस करोगे किसी भी वैल्यू को, तो वन बाई टू से कम ही वैल्यू आएगी वो। ठीक, तो जे एन स्क्वायर की वैल्यू या तो वन बाई टू के इक्वल होगी या वन बाई टू से कम होगी। तो यहाँ पर इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जर्नल यदि देखें तो ये जीरो होता है तो ये सभी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वन बाई टू के इक्वल होगा, अदरवाइज वन बाई टू से लेस होगा। वन बाई टू में से कुछ भी माइनस करोगे तो वो वन बाई टू से कम वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो मेनली इस स्टेप के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जे एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू हाफ, इसके अकॉर्डिंग जे नॉट स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन, ये लेस देन इक्वल टू वन बाई टू होगा, देन मोड ऑफ जे एन इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट वन बाई टू। ठीक है, अंडर रूट वन बाई टू है मीन्स टू रेस टू द पावर माइनस वन बाई टू। तो मेनली अपना अपने को ये देखना है कि ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, तो हाफ के इक्वल या हाफ से लेस देन वाली कंडीशन ही अपनी आएगी। तो जर्नल देखना है, हाँ हो सकता है कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब ये कहो कि मैम यहाँ पर जे नॉट नॉट तो वन होता है, तो वन माइनस वन जीरो अपॉन टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ पर जे जीरो जीरो होने पर वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, तो ये टर्म जीरो होगी तो भी ये माइनस और ये टर्म। ठीक है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हाफ से कम होगी वो। ठीक है, और वैसे ये सभी वैल्यू यदि जीरो होती हैं तो ये वन बाई टू की इक्वल आएगी। तो जनरली ये जे एन स्क्वायर जो है वो हाफ से कम और हाफ से लेस होगा, सॉरी हाफ के इक्वल या हाफ से लेस होगा। ठीक है, इसी तरह से ये है कि इसकी वैल्यू वन के इक्वल और वन से लेस होगी। तो ये इसके ए बी सी और डी फोर पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं।